साथ पूजा श्रीवास्त। तो आप देख रहे हैं यूपी के महोबा में शादी टूटने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि दुल्हन ने द्वारचार और जयमाल और चढ़ावे की रस्म के बाद सातवें फेरे के दौरान शादी से इनकार कर दिया। जैसे ही दुल्हन ने छह फेरे लेने के बाद शादी से मना कर दिया तो वहां हड़कंप मच गया। इसके बाद रात में ही पंचायत बुलाई गई, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी बारात को बेरंग लौटाना पड़ा। यह मामला इस वक्त पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सातवें फेरे से इनकार को लेकर दुल्हन के माता पिता और उससे वजह पूछे तो उसने कहा कि मुझे दूल्हा पसंद नहीं है, इसीलिए शादी नहीं करूंगी। हालांकि इसके बाद दोनों पक्ष के लोग दुल्हन को कई घंटों तक समझाते रहे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। इसके बाद आधी रात को ही लोगों की उपस्थिति में पंचायत हुई और इस दौरान दुल्हन अपनी जिद पर अड़ी रही। इस दौरान विवाद से भड़के दूल्हे के पिता ने कहा कि जब शादी से इनकार करना ही था तो जयमाल और चढ़ावे की रस्म क्यों कराई। हालांकि कुछ देर बाद दोनों पक्षों में आपसी सहमति बनी रही और बारात बेरंग लौट गई। दूल्हा और दुल्हन के पक्ष ने पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई है। ऐसी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।